हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल जो आपको सर्च करना है सेलेक्टर कैप्टर में रखेगा s.k.t.c.c में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, बिंदास तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों से माफी चाहता हूँ इसके लिए, सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे। तो आज से आपके कंटिन्यू वीडियो अपलोड होंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को क्या शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रश्न वाली 3.3 अध्याय आपका था, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो थे आपको बताने थे, तो उसी के बारे में मैं आज को बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल सा मेथड। और मैंने उसके कुछ सवाल बताए थे आप लोगों को, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे और समझे भी होंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक क्वेश्चन बता दिए थे, आप लोग वीडियो में देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में, क्लास 10th टू लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन के टाइप्स में आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, तो आप लोग उसमें से देखिएगा और वीडियो को उसके बाद आप लोग ये वाला वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में ज्यादा आ जाएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, आपको मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिलाई होगी, आप लोगों ने लिया होगा, नहीं लिया है तो आज मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, 6 नंबर तक दिख रहे होंगे आप लोग, सवाल 6 के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों को आसानी रहेगी सवाल पढ़ने में। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, आज इतना ही देखते हैं, इसके आगे भी दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग उसको भी लगाइएगा और देखते हैं। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 4 नंबर है क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, क्या यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 है हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो हमने लिखा है सॉल्व में, माना भिन्न हमने मान ली x अपान y। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या दिया है, अंश और हर में एक जोड़ देने पर, एक घटा देने पर भिन्न हमारी क्या बनती है, एक। हमने देखो एक जोड़ा है अंश में और हर पे एक घटाया है, बराबर हमने क्या रखा एक, इसको सोल्यूशन किया तो देखिए x+1 y-1 हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा, जब फास्ट पढ़ाना होगा तो फास्ट भी पढ़ाया जाएगा, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। और इसी के साथ से देखिए मैंने इसका क्रॉस गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद एक्स और वाई को इस तरफ लिया है, जे -1 -1 2 हो जाएंगे, हमारा समीकरण बन गया एक, x-y = -2। अब देखिए जी हमारा एक ही क्वेश्चन बन गई, अब दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे क्या, मतलब यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो हर में हमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। स्टेप सेकंड में देखिए हर पे हमने x/y + 1 = 1/2 कर लिया, तो 1/2 करने के साथ साथ आप लोगों को मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, तो क्रॉस गुणा करने पर हमको मिल गया 2x = y+1, वाई को स्टेप लिया 2x - y = 1, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए हमने लिखा है समीकरण 2 दिए हुए हैं, देखिए y इधर पे भी है, तो समीकरण जब हमने बताया था माइनस माइनस के होते हैं और y बैलेंस कर रहे हैं तो क्या घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से एक प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस नीचे प्लस से हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर जब घटा देंगे तो आपको समीकरण मिल जाएगा x-y = -2, 2x + y = 1, तो अतः -x = -3, तो x = 3। अब देखिए x = 3 मिल गया है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रख देंगे तो 3 - y = -2, तो y = आ जाएगा -2। अब -y = -5, -- हो जाएंगे हमारे प्लस, तो y = 5 आ जाएगा आंसर। तो अब देखिएगा, तो जब 5 आ गया तो इसके बाद अब आपको दिखा देते हैं,
आंसर तो अतः भिन्न हमारी x पर y थी, तो x का मान 3, y का मान 5, तो 3/5 हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा पढ़िएगा। लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कौन सी? माना x/y, हमारी x भिन्न बना ली। उसके बाद स्टेप फर्स्ट में हमने क्या लिखा, देखिए पढ़ते पढ़ते, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए दे और तो भिन्न 1/2 अंश में जोड़ना है, इसका हमारा क्या अंश हमारा ये होता है और क्या हर हमारा ये होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा तरीका है। और जो आ जाएगी वो इसके बराबर हमारी भिन्न देखो दी हुई है 1/2 हमने रख लिया। फिर देखिए हमने इसका क्रॉस गुणा कर दिया, 2x + 6 × 12y इस तरफ ले आएंगे, 12 एक तरफ कर देंगे तो 2x - y = -12 समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब देखिए स्टेप सेकेंड में देखेंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे ही सलूशन हमको करना है या हल करना है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। अब देखिए हर पे हमको 7 जोड़ना है, देखिए हर हमारा क्या आ गया स्टेप सेकेंड, x/y + 7 = 1/3। सवाल पढ़ा हमने, सलूशन इसका आरंभ कर दिया। अब देखिए इसका गुणा कर दिए तो 3x = y + 7, वाई किस तरफ ले आएंगे तो 3x - y = 7 समीकरण 2 बन गया। देखिए सेम वही कंडीशन बन गई, माइनस माइनस तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटाने पर हमको देखिए 2x - y = -12, 3x + y = 7, तो माइनस लगाना, जे माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ऊपर प्लस माइनस से कट जाएंगे। अब इनको घटा देंगे, यक्स का मान हमको 19 मिल गया। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, हमको आंसर उससे भी मिल जाएगा। अब देखिए हमने यक्स का मान कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में रखा, हमने देखिए मान सॉल्व कर लिए, सोल्यूशन दिया हुआ है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय प्रोसेस करते रहिए, इस तरफ ले जाएंगे, जब माइनस को इस तरफ ले आए, जे इस तरफ ले आए प्लस हो गए, हो गया वाई का मान 50, तो यहाँ लिख लेंगे अतः भिन्न x/y = 19/50 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान बहुत सिंपल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने बताया है 4 नंबर और 5। अब आपको दिखाते हैं हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा आ गया क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा होगा बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे। लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न तो हमने मान ली, माना भिन्न कौन सी है हमारी x/y, तो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर पे क्या करना है 2-2 जोड़ना है दोनों पे, तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम, क्या क्या करना है, 2 जोड़ना है किसमें, अंश और हर दोनों में, तो x प्लस का 2/y प्लस का 2, भिन्न कितनी बन रही है हमारी 9/11। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के साथ साथ आंसर आपको मिल जाएंगे। अब आप लोग स्टेप सेकेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इससे आगे सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये होमवर्क आपका क्वेश्चन है। फिर लिखा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारी 5/6 हो जाती है, तो अंश में हम क्या जोड़ लेंगे, अंश हर में 3, तो x प्लस का 3/y प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 5/6, क्रॉस गुणा करिएगा दोनों में, आपको समीकरण मिल जाएंगे 1 और 2, फिर उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को लगाना है। इसी के साथ साथ अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए बहुत आसान बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 26 है,
और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है तीन गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने माना दो संख्याएं यक्स व वाई हैं, ठीक है, मान लिया है। मानने के बाद हमने गिवेन में दिया है दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हमें, 26 दिया हुआ है। तो यक्स माइनस वाई बराबर 26 देखो हमने रख लिया। उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, तीन गुनी है, जिस सवाल में भी दिया है हमको, हमने वैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा। फिर लिखा हुआ है यक्स बराबर 3y, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए यक्स बराबर 3y, तो हमने समीकरण 1 में रख दिया, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वाई का मान हमको मिल जाएगा 3y, में से एक वाई की कम कर देंगे 2y, बराबर आ जाएंगे 26। तो 2y बराबर 13, वाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें यक्स का मान मिल जाएगा। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, अतः संख्याएं 39 तथा 13 होंगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया आपका 7 नंबर। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास लिखा हुआ है। क्या लिखा है, लिखा है किसी बच्चे को, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सोल्यूशन बहुत आसानी से कर लेंगे। लिखा है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कुछ समय बाद मैं प्रिंट आउट से क्वेश्चन पहले ले लिया करूंगा, उसके बाद आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन अच्छा दिखने लगेगा। तो आप लोग वहां से देखिएगा, फिर सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, मैंने आपको कुछ बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। लिखा है, दिया है पिकनिक स्थल में पैदल पहुंचने का समय 6 घंटे और पिकनिक स्थल में साइकिल से पहुंचने का समय 2 घंटे दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। फिर माना पिकनिक स्थल की दूरी यक्स किलोमीटर है, तो हम जानते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय हमारा होता है फार्मूला, आप लोग को भी पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोग अच्छे से, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पैदल चाल हमारी दी है 1/6, क्योंकि दूरी दी है 6 घंटे, समय दिया है पैदल चाल का 6 घंटे, दूरी हमने 1 मान ली है, तो यहाँ पर हमने इसका मान रख लिया। फिर साइकिल की चाल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा रख ली। अब देखिए यहाँ पे हमें 1/2, अब देखिए साइकिल का यहाँ पे 7 जो दिया हुआ है, ये कैसे आया, चाल की 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी, उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इस वजह से यहाँ पे जो हमारी साइकिल की पैदल चाल थी उस पे अपने साथ औसत चाल से हमारी अधिक हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने, और इसके बाद इसका एक इक्वेशन बना ली हमने, यक्स का मान निकाल लिया, कितना आ गया 21। तो अतः चाल बराबर 21/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो साइकिल की चाल हमारे पास आ जाएगी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल चाल 1/6 थी, यह रहेगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा जी आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिए और कोशिश करते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 9, अब आपको लगाना है बहुत आसानी से। लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। अब हमको इसकी चाल बताना है। लिखा माना अजीत की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो अमित की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली, तो
तो कुल दूरी हमें दी है कितनी दी है 30 किलोमीटर। कुल दूरी दी है हमने 30 किलोमीटर कुल दूरी रख ली। इसके बाद हमको दिया है अजीत को लगा समय बराबर अमित को लगा समय में 2 हमारे अधिक है, 2 गुने है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो जी हो जाएगा 30/x बराबर 30/y प्लस 2 हमने यहाँ पे मान रख लिया यहाँ पर। तो अब इसको हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। तो चाल 2 गुनी होने पर अजीत की चाल 2x हो जाएगी। तो हमने रख लिया यहाँ पे अमित को लगा समय बराबर अजीत को लगा समय प्लस का 1, क्योंकि 1 घंटा समय कम लगेगा, इस वजह से उस पर प्लस 1 कर देंगे। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, 30/y 30/2x प्लस 1, इसमें एक क्वेश्चन बन गई हमारी आगे सेकेंड। तो हमने लिख लिया यहाँ पर, देखिएगा आपको दिखा हुआ है वो चीज, बाद में आपको देखना है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 30/x माइनस 30y बराबर 2, तो 15/x बराबर इतना घटा देंगे तो x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तब हमको यहाँ से मिलेगा मान। तो हमने यह y निकाला 7.5, अतः अजीत की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अमित की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। और अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं उसको, कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और उस धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना। अब देखिए रखेंगे धारा के अनुकूल कुल चाल x प्लस y हो जाएगी और धारा के प्रतिकूल में हमारी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में आपको एक चीज याद रखना है, धारा के अनुकूल चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय लगेगा। तो धारा के अनुकूल अगर है तो x प्लस का y बराबर कुल दूरी हमारी 20 किलोमीटर प्रति कुल समय 2 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा, हमारी क्वेश्चन बन जाएगी। स्टेप सेकेंड में आ जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल 4/2, तो x माइनस वाई बराबर 2, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई का जोड़ देंगे, जोड़ने पे x का मान 6 मिल जाएगा हमको, हम वहां से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप आपको क्वेश्चन यक्स का मान रख देंगे समीकरण 1 में, 6 + y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस का 6, तो y का मान 4, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हमारा समीकरण दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, और s.k.t.c. चैनल को भी शेयर करते रहिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि आपको वहां से आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। कल आपको फिर मिलेंगे, कल आपको न्यूमेरिकल फिर बताए जाएंगे, आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। कल फिर मिलते हैं नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।